पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। के भिखारी ठाकुर चौक पर वर्ग संघर्ष के बाद सारण पुलिस बेहद सतर्क और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में सारण पुलिस ने पटना और छपरा से दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें संतोष रेणु यादव और चंदन राय शामिल है। दोनों ने एक जाति विशेष के विरुद्ध तल्खी दिखाते हुए फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए सारण पुलिस ने पटना जिला के मसौढ़ी बैरमचक निवासी संतोष रेणु यादव और सारण पुलिस के मुफस्सिल थाना इलाका मितवलिया ग्राम निवासी चंदन राय को गिरफ्तार कर लिया है। सारण जिला पुलिस के एडिशनल एसएसपी डॉक्टर राकेश कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि पकड़े गए लोगों ने जाति समुदाय विशेष के विरुद्ध हिंसा, शत्रुता एवं दंगा के लिए प्रेरित किया जा रहा था और सार्वजनिक शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा था, जो विधि व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। पुलिस की पकड़ में आए संतोष रेणु यादव ने सारण के निवर्तमान सांसद के विरुद्ध भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। ब्यूरो को बढ़ावा देने अच्छा, गिरफ्तार दोनों लोग कोई राजनीतिक संबंध भी बताया जा रहा है, किसी पार्टी से जुड़े लोग हैं? अभी तक हम लोग को इस तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं है, हम लोग उस बारे में सत्यापन कर रहे हैं। इसके पहले भी इसमें गिरफ्तारी हुई क्या? हम लोग को जो अभी ज्ञात हुआ है इनका आपराधिक इतिहास मैंने बताया कि औरंगाबाद थाना कांड संख्या 517/22/88/22 और कैमूर और कटिहार में भी इनके विरुद्ध मामला दर्ज है। गिरफ्तारी हुई गिरफ्तार संतोष रेणु यादव उनका कहाँ कर रहे हैं? हाँ, इनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने पटना से किया है। सर, चंदन कुमार जो है उनका क्या है? चंदन कुमार अरेस्ट हुए साथ? हाँ, चंदन कुमार जो है ये यहीं के मितवलिया के रहने वाले हैं। इनकी क्या संलिप्तता है? इनकी संलिप्तता है कि ये भी सोशल मीडिया पे भ्रामक बातें और हिंसा को उत्प्रेरित करने वाली बातें लिख रहे थे। ये जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है? हाँ, मैंने कहा है कि जाति समुदाय के विशेष इनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। हाँ, इनके द्वारा कुछ टिप्पणी इस तरह से किया गया है, इसी के कारण हम लोगों ने इनके विरुद्ध तकरीबन दो FIR दर्ज किया है और इसी के अंतर्गत किया गया नेता के द्वारा जो सांसद महोदय ने हम लोगों ने किया है स्वयं तो इसको एक्शन लेके तो करा गया है। दिनांक 21/5/24 को अहले सुबह जो है भिखारी ठाकुर चौक नगर थाना अंतर्गत एक अप्रिय घटना घटित हुई थी, जिसमें एक युवक की जान गई थी। उसके बाद जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा निरंतर सोशल मीडिया पे कुछ अति संवेदनशील और आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की जा रही थी एक जाति समुदाय के विरुद्ध में, जिससे पूरे दो समुदाय के बीच में व्यापक तनाव उत्पन्न हो गया था और विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया था सारण जिला में। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय सारण के द्वारा निरंतर हम लोग सोशल पेट्रोलिंग माध्यम से नज़र रख रहे थे ऐसे लोगों पर, और उसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम का गठन किया और उनके निर्देशानुसार इस भ्रामक और अफवाह और हिंसा फैलाने के लिए उत्प्रेरित करने वाले ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करते हमने कार्रवाई की और इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक का नाम है संतोष कुमार और संतोष रेणु यादव और दूसरे का नाम है चंदन कुमार, उम्र 24 वर्ष, ये मिथिलिया थाना के हैं। संतोष कुमार उर्फ रेणु के विरुद्ध में पूर्व से भी दो कांड जो अभी तक ज्ञात है, औरंगाबाद नगर थाना कांड संख्या 517/22 और औरंगाबाद नगर थाना कांड संख्या 88/22 दर्ज है। इसके अलावा इनके विरुद्ध कटिहार और कैमूर थाने में प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना प्राप्त है। हम लोग और भी इनके आपराधिक इतिहास के संदर्भ में सत्यापन कर रहे हैं और साइबर पेट्रोलिंग के माध्यम से इसे साइबर थाना और हमारे साइबर DSP साहब साथ में बैठे निरंतर जो है हम लोग सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, सब पे हम लोग निरंतर पैनी अपनी नज़र बनाए रखे हुए हैं। सारण पुलिस सभी लोगों से निवेदन करती है कि ऐसे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक टिप्पणी, हिंसक भ्रामक बातें फैलाना एक कानून की नज़र में दंडनीय अपराध है, तो ऐसा कृत्य कृपया सोशल मीडिया पर ना करें, अन्यथा
जेल जाना पड़ सकता है। रिपोर्ट सिटी पोस्ट लाइव।